नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश आपका सेवानिया शो चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये मेरी संतान सीरीज जो चल रही है, लेक्चर चल रहे हैं, उसका छठा पार्ट है। उसका पांच पार्ट इसमें हो चुके हैं, जिसके बारे में मैंने आपको अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीज़ें बताई हैं कि कैसे देखते हैं कि कुंडली प्रॉमिस करती है या नहीं करती है चाइल्ड को, या कैसे हम निकालें उसके अंदर कि संतान तिथि निकालना बताया था कि ये डिसाइड करने के लिए कि संतान के योग हैं या नहीं है। 20 फुट 36 फुट बताया था, और सप्तांशा चार्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। D7 चार्ट जो होता है, जिसमें कि एक राशि के साथ भाग किए जाते हैं संतान के लिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो कैसे बनाया जाता है, वो मैं आपको पिछले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। आज मैं इसमें टॉपिक एक ऐसा ले रहा हूँ। देखिए, अक्सर ये होता है कि मतलब सब लोग सोचते हैं, या हम लोग भी बहुत सोचते हैं कि संतान तो है, लेकिन कुछ लोगों को, या कभी कभी ऐसा होता है कि वही संतान तो है, लेकिन संतान ने हम मतलब संतान से हम थोड़ा परेशान हो रहे हैं। परेशान किस रीज़न से हो रहे हैं कि संतान या तो रेस्पेक्ट नहीं करती ठीक से, या वो केयर नहीं करती ठीक से माँ बाप की, तो वो चीज़ भी आती है। खर्चा बहुत करती है, जितनी माँ बाप की इनकम नहीं है उससे कहीं ज़्यादा खर्चा करती है। तो ये सब क्या है? तो ये एक चीज़ है कुंडली में देखना कि क्या ऐसा पॉसिबल है, वो होता क्या है। देखिए, कर्मा थ्योरी मैं आपको बताता हूँ। कर्मा थ्योरी ये है, जिस न्यूटन का भी लॉ है कि हर एक्शन की इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। तो सीधी सी बात है कि जो भी एक्शन आपने किया है, आप जो भी एक्शन करेंगे, अगर आप किसी को कुछ बुला भी बोलेंगे, तो उसकी रिएक्शन आपके पास आनी आनी है, कि एनर्जी किसी फॉर्म में, चाहे वो किसी फॉर्म में भी वो एनर्जी आपके पास आए, वो तो आएगी आएगी, क्योंकि ये न्यूटन का लॉ है कि हर एक्शन की रिएक्शन होती है। और जो हमारे कर्मा होते हैं, बेसिकली कर्म होते हैं, जो वो कर्म क्या हैं, वो हमारे कई जन्मों के जो एक्शंस होते हैं हमारे, उनका टोटल डिपॉजिट है। वो एक्शंस जो है हमारे कर्म बन जाते हैं। अब कर्म के चक्कर में ही इंसान को जीवन लेना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि मृत्यु लोक में इंसान आया है, तो कर्म भोगने के लिए ही, कर्म का फल भोगने के लिए इंसान को जीवन लेना पड़ता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि तीन तरह के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो विकर्म कर्म ऐसा होता है जो अच्छाई के लिए किया जाता है किसी के, उसके लिए, और कर्म तो जो नॉर्मली कर्म करते ही हैं, लेकिन इन कर्म करने में एक इच्छा होती है इंसान के अंदर कि मैंने कोई यज्ञ कराया तो मुझे फल मिले, या मैंने कोई पूजा पाठ कराया तो मुझे फल मिले, या मैंने कुछ कहीं भंडारा करवा दिया तो मुझको ऐसा फल मिलना चाहिए। एक संकल्प लेके होते हैं ये वाले। तो ये कर्म इंसान को फ़ायदा तो देते हैं, अच्छी योनि में पैदा होने के लिए, या नेक्स्ट जीवन अच्छा मिलने के लिए, लाइफ अच्छी जाने के लिए, बट जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्ति नहीं देते। एक होता है अकर्म। अकर्म कभी जमा नहीं होता, बाकी सारे कर्म जमा होते हैं। अकर्म ऐसे कर्म होते हैं कि जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, आपका कोई फल की इच्छा नहीं है, और आप बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ कोई सेवा कर रहे हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद यहाँ पर आए, उन्होंने जनता की बहुत सेवा करी, सब लोगों से मिले, उनका उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। वो तो अपना कठिनाइयों में रहे, सब कुछ परेशानियाँ सही सारी, लेकिन उनका कोई स्वार्थ नहीं था। तो वो जो कर्म करते रहे वो उनके अकर्म बन गए। तो अकर्म कभी जमा नहीं होते। अगर आदमी अकर्म करना स्टार्ट कर दे, और धीरे धीरे कर्म और विकर्म जो उसकी कुंडली में जमा हैं ऑलरेडी, उनका फल वो धीरे धीरे भोग ले, और अकर्म करना स्टार्ट कर दे, तो वो फल कर्म जुड़ेंगे नहीं, और जुड़ेंगे नहीं तो फिर उसका एक या दो जन्म के बाद उसकी मुक्ति हो जाएगी, और जीवन मृत्यु के चक्कर से वो आज़ाद हो जाएगा। अब चूंकि हमारे एक्शंस ऐसे हैं, हमारे कर्म ऐसे हैं, कि चाहे हम कर्म कर रहे हों फल के लिए, इच्छा के लिए कर्म कर रहे हैं, चाहे गलत कर्म कर रहे हैं, चाहे अच्छे कर्म कर रहे हैं, हर जगह हमारी फल की इच्छा रहती है। तो उन कर्मों के चक्कर में हमारे कर्म जो हैं संचित होते रहते हैं, उनके चक्कर में हमें बार बार जीवन लेके यहाँ धरती पर आना पड़ता है। तो ये जो चैप्टर है, इसका मैं बता रहा हूँ, इसका नाम है ऋण अनुबंधन। ऋण अनुबंधन इसमें क्या होता है कि आप कभी देखा होगा कि नॉर्मली लोग बोलते हैं कि यार हमारा कोई इस पर कोई उधार देना होगा हम लोगों को, इसलिए हमारे इतने खर्चे हो रहे हैं, या इतना बच्चा हमें इसलिए परेशान कर रहा है कि पिछले जन्म में हमने इससे कोई उधार लिया होगा तो वो होगा। होता क्या है, एक D7 सप्तमांशा की किताब है, आप कभी लेके पढ़िए उसको, VP गोयल साहब की, मतलब उनको मैं गुरु मानता हूँ, हालांकि उनसे मैं डायरेक्टली कभी नहीं पढ़ा, लेकिन उनकी बातें सुनता हूँ हमेशा मैं। तो उसमें उन्होंने ये बिल्कुल प्योरली वर्णन किया है कि देखिए, जो भी इंसान होते हैं आपके सराउंडिंग्स में हैं, आपके मामा हैं, चाचा हैं, आपके फूफा हैं,
आपके भाई बहन हैं, आपके बेटे हैं, ये आप जो पड़ोसी हैं आपके, वो ही बेसिकली दूसरे जन्म में रिपीट होते हैं। अब रिपीट कैसे होते हैं, सपोज़ कीजिए कि आपने किसी पड़ोसी को पैसे, आपने पड़ोसी को किसी की हेल्प कर दी, आपने बहुत अच्छी हेल्प कर दी, या पड़ोसी के बच्चे की किसी की हेल्प आपने बहुत अच्छी कर दी, तो होता क्या है कि वही पड़ोसी या वही पड़ोसी का बच्चा नेक्स्ट जन्म में आपकी संतान बन के आगे आता है और आपका ऋण जो आपने अच्छा कर्म किया होता है उसको उतारने आता है। तो इसको ऋण अनुबंधन बोलते हैं और वो आपको बहुत इज्जत देता है, आपकी बहुत अच्छी तरह से केयर करता है। तो आपने सुना होगा कि कई जगह लोग होते हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, बहुत केयर करता है माँ बाप की, बड़े अच्छे से बोलता है और पूरी इज्जत करता है। तो वो उसका रीज़न यही होता है कि ऐसे माँ बाप ने किसी पिछले जन्म में एक ऐसा काम किया होता है, किसी की सेवा करी होती है, जिससे वो व्यक्ति संतान बन के उनके आके सुख देता है। और इसके विपरीत किसी का अगर आपने दिल दुखाया हो, आपने किसी से शत्रुता रखी हो, किसी के आपने पैसे ना लिए, पैसे लेके वापस नहीं दिए हों, तो उस केस में वो चीज़ आपको देनी तो पड़ेगी। आप ये सोचिए कि इस जन्म में आप भले ही बच जाएंगे, मैं पैसे नहीं देता हूँ, लेकिन आपको नेक्स्ट जन्म में पैसे देने ही पड़ेंगे, किसी ना किसी वे में आपसे वो आके पैसे लेगा, अपना ऋण तो आपको ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा उसका। तो होता यह है कि वो आपकी संतान बन के आती है तो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा करवाती है, इस तरह से खर्चा करवाती है कि आपके पढ़ाई कर नहीं है ठीक से कर रही है, लेकिन खर्चा बहुत हो रहा है हर चीज़ में। तो इसलिए ये ऋण अनुबंधन जो होता है, मतलब ये देखना जरूरी है कुंडलियों में कि ऋण अनुबंधन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि संतान अगर आपकी जीवन में आई है तो क्या वो आपकी सेवा करने, आपकी टेक केयर करने आई है, या संतान अगर आपके जीवन में आई है तो क्या वो आपको खर्चा कराने और आपकी इज्जत ना करने के लिए आई है। तो वो सब चीज़ें देखने के लिए ये मैं आपको कुंडली में आज कुछ योग बताऊंगा कि कैसे कुंडली में देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी संतान है, वो ऋण अनुबंधन, मतलब किस तरीके से पॉजिटिव ऋण अनुबंधन में है या नेगेटिव ऋण अनुबंधन में है, क्या चीज़ है। तो इसके देखने के लिए तरीका ये होता है कि सबसे पहले इसमें एक पहले भी मैंने आपको एक वर्ड बताया था, क्षेत्र स्फुट, क्षेत्र स्फुट, SPHUTA, सॉरी। केस, मतलब केस बेसिकली चेक करते हैं फॉर, बेसिकली फॉर फीमेल कुंडली के लिए, वो देखते हैं कि कुंडली में जो फीमेल है वो संतान पैदा करने योग्य है या नहीं है, उसके लिए केस चेक किया जाता है। तो इसमें वो मैंने पीछे आपको भावों में बताया हुआ है, लेकिन मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि केस कैसे निकालते हैं। केस निकालने का तरीका है, क्योंकि ऋण अनुबंधन के अंदर इस चीज़ का इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाले कुछ नियम है उसका बता रहा हूँ। तो केस निकालने के लिए क्या होता है कि आपको आपका जो जुपिटर है, लॉन्गिट्यूड ऑफ जुपिटर यानी बृहस्पति का जो भोगांश है वो ले लिया, प्लस लॉन्गिट्यूड ऑफ मार्स मंगल का, प्लस लॉन्गिट्यूड ऑफ मून चंद्रमा का भोगांश, इन तीनों को जोड़ते हैं तो उससे क्षेत्रफुट निकलता है। अगर आप देखें इस कुंडली में तो क्षेत्रफुट निकालना है हम लोगों को, तो यहाँ देखिए D1 चार्ट के अंदर कि जुपिटर का कितना आपका है, जुपिटर आपका है दूसरे हाउस में, दसवीं राशि में है, मकर राशि में। इसका मतलब जुपिटर 9 साइन चल चुका है, 9 साइन पास, और जुपिटर की डिग्री है 28 डिग्री 8 मिनट, तो 28 डिग्री 8 मिनट ये जुपिटर की वैल्यू आ गई। अब लॉन्गिट्यूड ऑफ मार्स, मंगल देखिए कुंडली के अंदर, मंगल आपका कहाँ है, मंगल आपका है 11वें भाव में तुला राशि के अंदर है, और तुला राशि का नंबर होता है 7वां। इसका मतलब यह है कि 6 साइन पास हो चुके हैं और मंगल की डिग्री है 26 डिग्री 38 मिनट, तो 26 डिग्री 38 मिनट हो गया ये। फिर चंद्रमा देखिए, चंद्रमा आपका मीन राशि में है, 12वीं राशि में, इसका मतलब 11 साइन पास हो चुके हैं और 23 डिग्री 6 मिनट का है, 23 डिग्री 06 मिनट का है। इन सब का हम टोटल कर लेते हैं, इन सब को हम जब टोटल करते हैं तो ये हमारा आता है 26 साइन पास 77 डिग्री 52 मिनट,
ये सारे मिनटों को जोड़ लिया, डिग्री को जोड़ लिया और सारे साइंस को जोड़ लिया हमने। अब हम जानते हैं कि 77 डिग्री हमारा, 77 डिग्री यानी एक साइन में 30 डिग्री होते हैं, तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि 77 डिग्री को हम साइन में चेंज कर देंगे। तो जब साइन में चेंज करेंगे तो ये हमारा दो साइन इधर आ गया हमारा, तो ये 28 साइन हो जाएगा, 60 निकल गए तो 28 साइन पास, 17 डिग्री 52 मिनट बचा, ये आंसर बचा। क्योंकि 77 एक साइन में 30 डिग्री होते हैं, तो हमने 30 30 60 दो साइन यहाँ पे ले लिए तो 26 और 2 28 साइन हो गए, तो यहाँ से दो साइन 60 डिग्री निकल गया, तो 70 डिग्री बचा और 52 मिनट बचा। तो ये हमारी वैल्यू आती है क्षेत्रस्फुट की। अब इसमें और थोड़ा सा रिफाइन करना होता है, चूँकि ये 12 से ज़्यादा है राशि, तो जब तक इसमें से 12 घटाएंगे जब तक ये 12 से कम या 12 ना आ जाए, तो 12 से घटाएंगे तो 12 दो बार घटाने पड़ेंगे, यानी 24 घटाना पड़ेगा। एक बार 12 घटाएंगे फिर 16 आएगा, फिर दोबारा 12 घटाएंगे फिर आएगा, तो 24 हम इसमें से घटाते हैं, 24 साइन पास, तो ये 24 घटाते हैं तो हमारा ये आपका आ जाता है 4 साइन पास, 17 डिग्री 52 मिनट। ये हमारी वैल्यू आ जाती है क्षेत्रस्फुट की, यानी क्षेत्रस्फुट जो हमारा है वो, इसको मैं मिटा देता हूँ, क्षेत्रस्फुट जो हमारा है वो आपका कौन सी राशि में है, पांचवी राशि में है क्षेत्रस्फुट, पांचवी राशि में है, फिफ्थ साइन, फिफ्थ सिंह राशि में, लियो। पांचवी राशि कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है इधर, तो हमारा केस यहाँ पे आ गया पांचवी राशि के अंदर, ठीक है। और इसलिए केस है, मैंने लिखा हुआ है पांचवी राशि में केस आ गया, और वो 17 डिग्री 52 मिनट का है, तो इसलिए 17 डिग्री 52 मिनट हमने इसके अंदर वैल्यू रख दी इसकी। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि केस हमारा D1 चार्ट से हमने निकाल तो लिया कितना है, सप्तांशा में कहाँ गया है, सप्तांशा चार्ट में D7 चार्ट में केस कहाँ गया है। यहाँ तो हमको मिल गया D1 चार्ट में, तो हमें मिला कि केस हमारा नवे भाव में है पांचवी राशि के अंदर, क्योंकि हमारा 4 साइन पास आया था, लेकिन यही केएस सप्तांशा में कहा गया, तो वो देखना है हम लोगों को। तो उसका तरीका सिंपल होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर, कि सप्तांशा चार्ट बनाने के लिए, क्योंकि केएस आपका विषम राशि में है, अगर विषम राशि में होता है तो आपको उसको उसी राशि से स्टार्ट करते हैं। अगर मान लिया यहाँ पे सम राशि होती 2 4 6 8 10, तो हम स्टार्ट करते जो राशि है उससे सातवीं राशि से काउंटिंग, लेकिन यहाँ पे विषम राशि है 1 3 5 7 9 इस तरह की राशि है, पांचवी राशि है, तो हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे जो राशि है उसी से, यानी कि सिंह से स्टार्ट करेंगे। अब सिंह से काउंटिंग स्टार्ट करके हम लोग कहाँ जाएंगे, तो हमने काउंटिंग सिंह से स्टार्ट करी, 5 नंबर से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, केएस की वैल्यू है 17 डिग्री 52 मिनट, केएस की वैल्यू है 17 डिग्री 52 मिनट्स। अब 17 डिग्री 52 मिनट्स अगर देखें, अगर एक राशि के हम 7 भाग करते हैं तो 17 डिग्री 52 मिनट्स ये पांचवें भाव में आते हैं इस वाले के अंदर, क्योंकि ये पांचवा जो पार्ट है वो 17 डिग्री 8 मिनट से लेके 21 डिग्री 25 मिनट तक का है, तो हमारा पांचवें में पार्ट में आता है। तो हमको मतलब पांच राशि आगे चलना पड़ेगा, 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, यानी धनु राशि, 1 2 3 4 5 जो कि सिंह राशि में था सप्तांशा में वो धनु राशि में आया, क्योंकि हमने सिंह से सप्तांशा में ले जाने के लिए केएस की वैल्यू देखी कितनी है, वो वैल्यू हमारी पांचवा पार्ट आता है, और चूंकि केएस हमारा ऑड राशि में है, ऑड साइन में है, विषम राशि में है, तो वहीं से काउंटिंग स्टार्ट होगी, तो 5 नंबर से काउंटिंग स्टार्ट हुई, पांचवें पार्ट तक गई, तो हमारा 9th राशि आ गई, तो यानी हमारा केएस यहाँ पर है। तो इससे निकलता है हमारा क्षेत्रस्फुट कहाँ पहुँचा। अब
ये हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है छेद छोड़ निकालना, लेकिन इसको मैं थोड़ा दोबारा रिवाइज करना जरूरी था, क्योंकि इस ये जो दो पार्ट अब आने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरा ध्यान से सुनिएगा। ये ऋण अनुबंधन के बारे में, जिसमें कोई भी चीज़ अगर आपकी छूट जाएगी तो फिर वो समझ नहीं आएगा आपको ठीक से, कैलकुलेशन हैं इसके अंदर काफ़ी, तो बहुत आराम से इसको समझिएगा और देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा दोबारा से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है, केस निकाल लिया हमने, ये मैं इसको मिटा देता हूँ, रब कर देते हैं इसको, क्योंकि कैलकुलेशन करनी है, और दोनों केस में हमारा हो गया। D1 चार्ट में केस हमारा पांचवी राशि में है और यहाँ पर हमारा 9th राशि में, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ होती है, देखिए D1 चार्ट में आपको क्या देखना होता है, ऋण अनुबंधन देखने के लिए, कि ऋण अनुबंधन पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसको देखने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ता है D7 चार्ट। D7 चार्ट देखिए, D7 चार्ट ये है इसका बना हुआ, इसमें लग्न देखिए, D7 चार्ट का लग्न देखिए कि क्या लग्न किसी मैलिफिक इन्फ्लुएंस में है, कोई बुरे ग्रह की पाप ग्रह की दृष्टि इसके ऊपर हो, तो लग्न पे ऐसे किसी ग्रह की दृष्टि इस पर नहीं है, सैटर्न की दृष्टि इस पर यहाँ पे नहीं होती, कि 7 और 8 बनता है तो सैटर्न की दृष्टि भी नहीं है, राहु केतु की दृष्टि होती नहीं है, तो कहने का मतलब ये है कि लग्न पे किसी की दृष्टि नहीं है, जुपिटर लग्न है और वो हमारा 11वें भाव में चला गया है, लाभ भाव में, तो इसके अंदर लग्न मजबूत है और लग्न हमारा इसमें कोई भी चीज़ अफेक्टेड नहीं है, तो लग्न कहीं भी मैलिफिक से अफेक्टेड नहीं है, ये हमने नोट कर लिया। तो कुंडली ने ये तो बताया कि हाँ बच्चा है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब इसमें देखेंगे कि जो केस है हमारा, यानी चित्रसूट, वो कौन से भाव में है। देखिए अगर चित्रसूट त्रिज्याय भाव में होता है तो प्रॉब्लमेटिक होता है, 3, 6, 11 भावों में या 6, 8, 12 भावों में केंद्र चित्रसूट हो तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, बाकी अच्छा होता है। देखिए यहाँ केंद्र में है, केंद्र में त्रिकोण में अगर चित्रसूट होगा तो बहुत अच्छा होगा, यहाँ पे केंद्र में है 10वें भाव में, तो चित्रसूट भी अच्छा है, तो केस भी इसके अंदर गुड है, इसका मतलब इस पर भी कोई मैलिफिक इफेक्ट नहीं है, ये भी अच्छी बात है, गुड, ये भी गुड, दोनों पॉइंट अच्छे आ गए। तीसरा हम लोग इसमें देखेंगे कि हमारा 5वां हाउस, 5th हाउस, 5वां हाउस क्या हमारा, या 5वां लॉर्ड, 5वें हाउस का लॉर्ड या 5वां हाउस जो भी है, वो हमारा 6ठे वाले भाव से या 8वें भाव से एसोसिएटेड है, उससे कुछ संबंध है इसका 6ठे भाव के स्वामी से और 8वें भाव के स्वामी से। देखिए जैसे 5वां भाव देखते हैं हम लोग, 5वां भाव हमारा बनता है ये वाला चंद्रमा वाला मून का, तो राशि चंद्रमा की कर्क है तो मून इसका मालिक हुआ, स्वामी मून हुआ, तो क्या मून पे 6ठे वाले भाव की या 8वें वाले भाव के स्वामी की दृष्टि है। 6ठे भाव का स्वामी है सूर्य, सूर्य की दृष्टि नहीं है मून पे, 8वें भाव का स्वामी है शुक्र, शुक्र की दृष्टि भी मून पे नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 5वां भाव एफ्लेक्टेड नहीं है, ये 5वां भाव भी हमारा ठीक है, ये भी एफ्लेक्टेड नहीं है, इसका भी संबंध 6, 8, 12 भावों से या 6, 8, 12 के भाव के स्वामियों से इसका संबंध नहीं है, तो ये तीनों चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले देखना है हमको लग्न, लग्न ठीक होना चाहिए तो बच्चा को प्रॉमिस करता है कुंडली। दूसरा देखना है क्षेत्रस्फुट, अगर क्षेत्रस्फुट हमारा 3, 6, 11 या 6, 8, 12 भाव में हो, त्रिज्याय में या त्रिक भाव में हो तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर वो केंद्र भाव में हो और त्रिकोण के अंदर हो तो उसको बहुत अच्छा मानते हैं। तो यहाँ पे केस हमारा केंद्र भाव में है 10वें भाव में तो ये बहुत अच्छा हुआ, लग्न हमारा बहुत अच्छा हुआ क्योंकि जुपिटर है 11वें भाव में गया, इस पर कोई एस्पेक्ट नहीं है, और 5वां भाव भी जो हमारा है 5वें भाव का स्वामी वो भी हमारा 6ठे 8वें स्वामी से ना तो एसोसिएटेड नहीं है, ना दृष्टि संबंध है, ना वो 6ठे और 8वें भाव में गया है 5वें भाव का स्वामी, तो इसका मतलब ये तीनों चीज़ें तो हमारी है, तो ये तो शो करता है हमारा कि ये जो ऋण अनुबंधन है ये पॉजिटिव है, यानी जो बच्चा आएगा वो आपको परेशान करने के लिए नहीं,